आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी ने पीसीबी को आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत का बहिष्कार करने की सलाह दी है। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयानों से नाराज मनी ने कहा कि पीसीबी को आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। मनी ने साथ ही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के अधिकारियों को अगले सप्ताह केप टाउन में होने वाली आईसीसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। ठाकुर ने पाकिस्तान पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा था कि तनावपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट खेलने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने निकट भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट की संभावनाओं को खारिज किया था। वहीं भारत ने आईसीसी टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के साथ भारत को एक ही ग्रुप में नहीं रखने की भी मांग की थी। मनी ने कहा कि बीसीसीआई प्रमुख ठाकुर ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं उससे पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हुआ है और वो आईसीसी की बैठक में अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से उठा सकता है। पूर्व आईसीसी प्रमुख ने पाकिस्तानी बोर्ड की निंदा करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से पीसीबी भारत को मनाने में जुटा हुआ है ताकि द्विपक्षीय सीरीज कराई जा सके, लेकिन अब साफ हो गया है कि बीसीसीआई में पाकिस्तान को लेकर कितना नकारात्मक रुख है। ऐसे में आईसीसी के सामने पाकिस्तान का पक्ष मजबूत है और उसे अपनी बात रखनी चाहिए। हाल ही में पीसीबी ने माना था कि साल 2007 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज नहीं होने से पाकिस्तानी बोर्ड को कम से कम $10 करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ रहा है।